बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक आर्मी में भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। अगर आप पाक आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी डेट कब है, कैसे अप्लाई करना है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप कहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। PMA 146 लॉन्ग कोर्स आ चुका है जिसमें भर्तियाँ स्टार्ट हो गई हैं 6 अप्रैल से। उसमें उसके लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से किस तरह इसको अप्लाई करना है। तो चलिए आइए, आपने जाना है, अपना गूगल क्रोम खोलना है और उसमें आपने टाइप करना है ज्वाइन पाक आर्मी। ये आप लिखेंगे तो पहले जो आपके पास वेबसाइट आएगी joinpakarmy.government.pk, के आपने उसको ओपन करना है। उसको ओपन करते ही आप ये देखेंगे कि नीचे आए आप और आप जॉब्स में जाना चाह रहे हैं, ये देखें कि जो अवेलेबल उनकी जॉब्स आई हुई हैं। PMA 146 लॉन्ग कोर्स, 32nd TCC और SSRC जो कोर्स आए हुए हैं। अगर आप कैप्टन और एज ए मेजर थ्रू शॉर्ट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी आई हुई हैं। अगर आप पाक आर्मी एज ए रेगुलर कमीशन ऑफिसर थ्रू 32nd टेक्निकल कैडेट कोर्स से जाना चाहते हैं, ये ऑप्शन, और उसके बाद अगर आप PMA लॉन्ग कोर्स 146 से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे। तो चलिए हम PMA 146 लॉन्ग कोर्स को डिटेल में देखते हैं। तो कोर्स डिटेल के लिए चलते हैं, आ जाए। ये PDF आप जिसमें बता रहे हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज एज ऑन 1 नवंबर 2020 से पहले आपकी डेट, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो 17 से 22 साल के दरमियान होने चाहिए। 3 महीने की रिलैक्सेशन होती है अपर और लोअर दोनों लिमिट्स में। अगर आप ग्रेजुएट हैं, 2 ईयर आपने प्रोग्राम किया है तो आपकी उम्र 17 से 23 साल दरमियान होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, 4 साल प्रोग्राम आपने किया है तो आपकी एज 17 से 24 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप आर्मी में पहले से सर्व कर रहे हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 17 से 25 साल है। अगर जेंडर मेल है, मेल के लिए सीट्स हैं, फीमेल के लिए नहीं है। और मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अनमैरिड होना चाहिए, नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। अगर उस फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट 5.4 इंच होनी चाहिए, वेट जो भी सिस्टम होता है। एजुकेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस के बाद अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, उसमें वो है जो टूआइस रिजेक्टेड बाय द ISSB, रिजेक्ट हो चुके हैं, टूआइस स्क्रीन आउट बाय ISSB से, वहां से भी रह चुके हैं, तो वो जिन्होंने पहले अप्लाई किया और एक या दो बार उन्हें रिजेक्ट किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमने इसको देख लिया, अब हम जरा बैक चलते हैं, हमने उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपने यहां जाके अपना ये उनका फॉर्म है पूरा, आपने इस फॉर्म को फिल आउट कर देना है सारा जो भी उनका क्राइटेरिया है। थर्ड में आप कुछ फॉर एग्जाम स्लिप वो कहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें तो पहले अप्लाई करें एग्जाम स्लिप, अगला स्टेप है। लेकिन अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं हुई, ऊपर आप देख रहे होंगे चल रहा है एग्जाम डेट्स फॉर 32nd TCC एंड PMA 146 लॉन्ग कोर्स विल बी इशूड लेटर। अभी उसकी कोई डेट नहीं आई तो आपके पास बेहतरीन चांस है, इस चांस को अवेल करें अभी PMA लॉन्ग कोर्स 146 में, SSRC में या 32nd TCC जो भी अप्लाई करें उसे अप्लाई करें। थैंक यू।